आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाए। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सेफ होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ खुश होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमारी स्टोरीज़ को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे और इसमें दिए गए मॉरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे होंगे। तो चलें चलती हैं। आज भी मैं आपके लिए लेके आई बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसमें होगा बहुत इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो उससे पहले हमें जाना है अपने शो में मौजूद बच्चों से मिलने हैं, जो कि आपकी तरह हमारे प्रोग्राम को रोज़ देखते हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। क्या नाम है आपका? हंजला। हंजला, हंजला आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं जी? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। स्टोरी कौन सी आपकी फेवरेट है? सारी। सारी स्टोरीज फेवरेट है। कोई एक मॉरल लेसन जो आपको याद हो कि ये मैंने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना? नहीं याद आ रहा अभी। चलो कोई बात नहीं, आप बताएं क्या नाम है आपका? हफ्जा। आप बताएं कि आपको कौन सी कहानी हमारी पसंद है? सारी। सारी, वाह जी वाह, हफ्जा को तो सारी कहानियां पसंद है। और आपका क्या नाम है? मीरा। मीरा, मीरा को कौन सी कहानी अच्छी लगी? सारी। सारी, वाह जी वाह, लगता है ये हमारे बहुत ज्यादा फैन है और हमारे प्रोग्राम को रोज देखते हैं, है ना? तो आप क्या कहते हैं, बबलू से भी बात कर ले? या आप करेंगे बात? आप शुरू करेंगे बबलू से बात? बबलू बड़े आज खामोश लग रहे हैं। बबलू खैर है, आप खामोश हैं? अरे पाजी मैं बस ना गुस्से में हूँ आज। क्यों भाई? एक तो कहा हमको हमेशा कोई ना कोई मसला ही होता है। खैर बताएं आज क्यों गुस्से में आप? अरे पाजी हमारी क्लास में एक बच्चा है, वो बड़ा तंग करता है। क्यों क्यों तंग करता है भाई? अरे नया बच्चा आपकी क्लास में आ गया? अरे बाजी वो ना सबको तंग करता है, लंच खा जाता है, मेरा भी लंच खा जाता है। ओ, लंच खा जाता है बबलू का। मेन पॉइंट तो ये है ये? नहीं बाजी, मेन पॉइंट ये है कि वो बहुत स्ट्रांग है, हम उसे कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ हाँ बबलू ठीक कह रहे हैं, यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जी बाजी। अच्छा जी, यानी आपका भी लंच बॉक्स खा गया वो? जी बाजी सब कुछ खा जाता है। ओहो ये तो बहुत मुश्किल, यानी बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। लंच क्या खाया? देखिए उन्हें भी पता चल गया कि आपको खाने की बहुत ज्यादा ना होती है तजस्सुस के, क्या खाया? अरे मैंने बच्चों मैंने शेर खाया था। अरे वाह शेर खा लिया आपने? कभी खाया शेर? नहीं। लेकिन ये बबलू जो है ना बहुत खास है, ये शेर बंदर कॉकरोच सब खा लेते हैं। अरे नहीं बाजी शेर खाता हूँ सिर्फ। बबलू भाई आप सो रहे थे, हाथ खा गए। अरे नहीं मैं हाथ क्यों खाऊंगा, वो तो मैं ऐसे सो रहा था। बबलू आपको खाने के अलावा और सोने के अलावा कोई काम नहीं है, आप हमेशा सिर्फ खाते हैं या सोते हैं, इसीलिए आपको ध्यान नहीं रहता आपका लंच बॉक्स, इसीलिए वो खा गया होगा आपका जो क्लास। जी बाजी लेकिन वो बदतमीज है ना। अच्छा। मेरा लंच बॉक्स खा जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ मसला है या पूरी क्लास के साथ मसला है? बाजी पूरी क्लास का खा जाता है। अच्छा तो कभी आप लोगों के साथ बच्चों ऐसा हुआ है कि आपकी क्लास में कोई नहीं। आपका लंच बॉक्स सिर्फ आपको ही मिलता है ना? जी। मैं दूसरों को शेयरिंग बस करती हूं। हम दोनों में टीचर मना करती है। टीचर मना कर देती है कि नहीं शेयरिंग करती? क्यों मना करती हैं टीचर? शेयरिंग तो करना अच्छी बात है। आपको नहीं करती? आप शेयर करते हैं अपना लंच बॉक्स? वेरी गुड। पाजी मैं भी शेयर करके खाता हूं। आप शेयर करके खाते होंगे, दूसरों का खा जाते होंगे। बहुत शौक से लाई हो मेरे लिए चॉकलेट। लाई है आप बबलू के लिए चॉकलेट? ओहो ये तो मेरे बाप ने बहुत गलत किया, आपको बबलू के लिए चॉकलेट लेके आनी चाहिए थी ना। अब बबलू आप नाराज हो जाए? जी जी मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। लो जी बबलू नाराज हो गए, आप क्या करें? मैं वो टीचर कहती है पार्टी में शेयरिंग करें। सिर्फ पार्टी में शेयरिंग करनी है? अच्छा बबलू भाई आप पार्टी में शेयरिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ? जी बिल्कुल, सारे दोस्त इतनी चीजें लाते हैं मैं सब कुछ खा जाता हूँ। बच्चों आज जो हमारे शो में बच्चे,
आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले और सही मैं कितनी कॉन्फिडेंट हैं, और मेरा ख्याल है मेरे और बबलू की ज़रूरत नहीं है आज बातें करने की, है ना बबलू? जी बाजी। लेकिन बच्चों अब हमारे पास एक आ गया है मसला और हमें उसको भी तो हल करना है ना, कि बबलू के स्कूल में एक ऐसा बच्चा है जो सबका लंच खा से जाता है। जी जब वो खाएगा ना आप अपने टीचर को बता देना। हाँ। मीरब आपने मीरब की बात सुनी है बबलू? जी आपने ऐसा किया था टीचर को बताया था? नहीं बाजी, टीचर चली जाती है और स्टैंडिंग पनिशमेंट दे देती है। तो आपने ऐसा कुछ किया है या सिर्फ मुझे ही टेंशन दे रहे हैं आप? नहीं बाजी, अभी तो आपको बताया है ना। अच्छा, तो ऐसा करने का सोचे आप, उसकी पनिशमेंट उसको दिलवाए टीचर से, बताएं। बोलो आप इसको भी करें ना, देखिए मीरब ने कितना अच्छा मशवरा दिया है कि अगर वो आप टीचर के किसी की ना बता आपने सीट पर बैठ जाना। अगर आपको शिकायत दी ना, फिर आप ना जब वो स्टैंड अप करेंगे आप अपनी क्लास में जाके बैठ जाना। जी ठीक है, इतने सारे मशवरे मिल रहे हैं आपको। मेरा नहीं ख्याल बच्चों आज मुझे स्टोरी की जरूरत है। आज मीरब और हफ्सा जो आई हुई है ना हमारी उसमें जो गेस्ट है, वो बेहतरीन मशवरा देने वाली टीम है, बेहतरीन बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दे रही है। अगर आपको कोई भी मशवरा चाहिए ना तो इन दोनों से ले लें, ठीक है ना? देंगी आप हमें मशवरे? यस। तो कहानी सुनने का इरादा है, ये रहने दें आज कहानी। कहानी सुनाऊं फिर कहानी? चले भाई, जो है क्या नाम है आपका? हंजला। अच्छा बच्चों, लेकिन जो हंजला है ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कहानी सुनने के लिए, तो प्लीज आप भी सुनेगी कहानी। तो फिर अब आपको थोड़ी देर के लिए खामोश बैठना है, मेरी कहानी सुननी है, ठीक है? और फिर उसमें हमने जो बबलू का प्रॉब्लम है कि अगर कोई ऐसा करता है, अपने आप को स्ट्रांग समझता है, तो हमें उससे किस तरह से निपटना है, ठीक है? चले भाई बच्चों, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भाई कहानी आज हमारी बहुत ज़्यादा लेट शुरू होने वाली है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हमारे प्रोग्राम में और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बबलू आपको अच्छा लग रहा है? जी बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे और बबलू को तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ गपशप करके। तो बच्चों अब हमें बढ़ना है कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक में। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया। वेलकम बैक मेरे बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। तो हम लोग अपनी कहानी की तरफ बढ़ रहे थे, और कहानी बातों के साथ साथ हंजला और हफ्सा और मीरा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो भी कहानी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से मैं कहानी शुरू कर दूँ। और उसके साथ साथ आप भी वेट कर रहे होंगे अब मेरी कहानी का। तो कहानी शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं बबलू? जी भाजी बिल्कुल। आप लोग क्या कहते हैं, शुरू करें कहानी? यस। तो भाई गौर से आपने मेरी कहानी सुननी है। आज हमारी कहानी है, हम लोग सीधा सब बच्चे और आप सब बच्चे मिलके चलते हैं एक जंगल में। एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों होता है। अरे बाजी जंगल में नहीं जाना हमने। ओहो, मेरा मतलब कहानी जंगल में है, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो बच्चों हम लोग गए हैं जंगल में, वो बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है और वहाँ बहुत ही साफ सुथरा सा तालाब था। उस तालाब के पास बहुत सारे जानवर रहते थे जो कि बहुत खुश रहते थे, हमेशा खेलते रहते थे, गपशप करते थे, अच्छा खाते थे, साफ पानी पीते थे और बहुत खुश रहते थे। और उसी जंगल में दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा दरख्त थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त थे, और वहाँ भी बहुत सारे जानवर रहते थे, वो भी बहुत खुश रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे और साफ पानी पीते थे और बहुत खुश रहते थे और खेलते भी थे। दोनों तरफ के जो जानवर थे वो बहुत खुश रहते थे और एक दूसरे को भी बिल्कुल तंग नहीं करते थे। जबकि कभी मिलते थे तो बहुत अच्छे से मिलते थे, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना वो उनको तंग करते थे, ना ही दरख्त वाले एनिमल्स तालाब वाले एनिमल्स को तंग करते थे, सब खुश रहते थे। लेकिन एक दिन तालाब में एक बड़ा सा क्रोकोडाइल, बच्चों पता है क्रोकोडाइल क्या होता है? क्या कौन सा होता है, कभी देखे? जी हमने कार्टून में देखा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो ग्रीन सब्स रंग का होता है। जी जी ग्रीन कलर का होता है, पानी में रहता है, तो बड़े बड़े टीथ भी होते हैं ना उसके। मीरा आपसे बबलू कुछ क्वेश्चन कर रही है। जी मुझे पता है, वो पानी में रहता है और वो सबको खा जाता है। हाँ जी, उसके बड़े बड़े टीथ भी होते हैं, ठीक है? और वो कभी कभार पता है क्या, वो पानी में दिखता है सबको कि कोई आ रहा है, जब ब्रशी सोच लो पानी में से और उसको खा जाता है।
जाता है। उसके बाद खा जाता। अरे वो तो शेर होता है। नहीं नहीं बबलू, मीरब ने बिल्कुल ठीक कहा, ओ हफ्जा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो ऐसे ही करता है, स्लो स्लो पानी के अंदर होता है और बस उसके आईज से अपनी देख रहा होता है और स्लो स्लो बच्चों आगे जाता है और जो अपना शिकार के पास जाके बड़ा सा अपना जो होता है मुँह खोलता है और शिकार को मुँह में ले लेता है। ऐसा ही है ना, वो अपने बच्चों को भी शिकार ही करना। देखिए कितने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब जानते हैं। हम सब क्रोकोडाइल हैं, हम भी फिश खा जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हम तो पका के खाते हैं ना। वो जब पाउंड में फिर होता है क्रोकोडाइल, तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं ना पाउंड के अंदर, उनको भी खाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, जो यानी जितने भी एनिमल्स पानी के अंदर होते हैं उन सबको परेशान करता है, और उसके अलावा जो एनिमल पाउंड के पास भी रहते होते हैं ना, तो उन्हें भी तंग करता है। अरे बाजी, ये तो फिर हमारे उस नए क्लास फेलो की तरह है। एग्जैक्टली बबलू, ऐसे ही आपने कहा कि वो बिल्कुल जब वो जिस एरिया में जाता है वहाँ पे सब लोगों को परेशान करता है। तो ऐसे ही हमारी स्टोरी में भी हुआ, जो क्रोकोडाइल था जब वो वहाँ पे पाउंड में आया तो वहाँ पे रहने वाले तमाम जानवरों को उसने कहा कि तुम लोग तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहे हो, बहुत यमी यमी लग रहे हो, तो खा जाएगा। हाँ जी, उसने अरे बाजी, ये बेचारे जानवर हाथी शेर वगैरह ये तो मगरमच्छ से बहुत तंग होंगे। ऐसा ही काश उनके पास भी कोई सुपर पावर होती ना, तो मजा चखाते। नहीं हाँ जी, ऐसा ही है। तो वहाँ जो सारे एनिमल्स थे वो डर गए, सबको उसने कहा कि तुम तो बहुत टेस्टी लग रहे हो, मैं तुम लोगों को वन बाय वन खा जाऊंगा। फिर वो भाग गए। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। पानी के अंदर दोबारा। हाँ जी, नहीं वो डर के ना दूर हो गए ना, वो खेलते थे ना वो खाने के लिए निकलते थे, क्योंकि वो सब डर गए थे, सब अपने घरों में चुप करके चले गए। तो जैसे कि बबलू ने कहा कि उनके पास भी कुछ सुपर पावर होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे। जी, अगर कोई इंसान आता तो क्रोकोडाइल तो इतने जालिम होते हैं, सबको खा जाएगी। भाई बच्चे बहुत एक्टिव है, उन्हें सब मेरे कहानी की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कहानी तो सुनानी है, क्योंकि आप भी वेट कर रहे हैं कहानी का। शार्क के बच्चों को, क्रोकोडाइल बच्चों सबको खा जाते हैं। लेकिन अभी बच्चों, बबलू ने एक बात की जो कि मुझे बहुत क्लिक की, उसने कहा कि उनके पास भी अगर कोई सुपर पावर होती तो वो लोग इससे अपना जो है दिफा कर लेते, अपने आप को बचा लेते। तो बच्चों यहाँ पे एक सुपर पावर होगी जिससे ये लोग बचेंगे, तो यही मैंने तो बबलू को बताना है कि आप जी वो क्या सुपर पावर है, वो उड़ने लगेंगे। नहीं नहीं बबलू, अभी बताती हूँ, जब आप कहानी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सारी कहानी की समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, इस सुपर पावर के बारे में बताऊंगी जो बबलू जिक्र कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि आया इनके पास कौन सी सुपर पावर थी जिससे इन सबको निजात मिलेगी इस क्रोकोडाइल से। दूसरी तरफ चलते हैं, जो जंगल के दूसरी तरफ जो दरख्त थे वहाँ भी बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, वहाँ भी एक एनिमल आ गया था उन्हें तंग करने। तो कोई गैस करेगा कौन सा एनिमल आया होगा? नहीं, इस बार शेर नहीं, एलिफेंट। वेरी गुड मीरम ने बिल्कुल ठीक गैस किया है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा जो होता है हाथी आ जाता है और वो उन सब एनिमल्स को तंग करता है, कभी उनको उनके घर तोड़ देता है, कभी कुछ करता है, कभी उनका खाना उठा लेता है। हाँ जी, उसकी नाक से वो पानी भी उनके घरों में। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, बिल्कुल ठीक गैस किया। किसी ना किसी तरह वो उन्हें तंग कर रहा था और वो भी बहुत परेशान हो गए थे। बहुत ज्यादा वो हेल्दी होते हैं ना, इसलिए सारी दुनिया ही हिल जाती है। भाई उन्होंने जंगल की बात तो खत्म की, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ठीक है भाई, बात खत्म होगी। बबलू आज तो आपकी पोलती बंद करवा दी इन बच्चों ने। ठीक है, खाने की तरफ बात कर दी मीरा, ये बात नहीं करनी वरना बबलू को भूख लग जाएगी। कहानी सुने, कहानी बबलू बबलू रह गए थे। बबलू बबलू ठीक है, कहानी की बात खाने की बात कर लेंगे मीरा। ठीक है, कहानी सुने जी, हमेशा ऐसे ही।
कहते हैं। हमेशा ऐसे ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। बबलू को हमेशा भूख लग जाती है। अभी आपने खाने का जिक्र किया ना, तो बस उन्हें डिनर याद आ जाएगा, तो स्टोरी हमारी बीच में ही रह जाएगी। आप लोग तैयार है ना स्टोरी के लिए? जी। सुनना चाह रहे हैं ना? जी। तो भाई स्टोरी की तरफ बढ़े ताकि पता तो चले कि इनके साथ क्या होगा, क्या ये दोनों तरफ के जो एनिमल्स हैं मर जाएंगे या तो फिर इनको कोई बचाएगा। यहाँ पे आएगा हमारी स्टोरी में एक ट्विस्ट। तो स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा कि एक बंदर आ जाएगा, चूंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा अक्लमंद था। तो जब वो बंदर आया तालाब के एनिमल्स के पास, तो उन्होंने उससे बताया कि हम बहुत परेशान हैं, हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते, हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आके एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जो कि हमें हमेशा कहता रहता कि मैं खा लूँगा। तो इसलिए तो हम तो बस घरों में छुप के बैठ गए हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। उस बंदर ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, हम इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। फिर जब वो दूसरी तरफ गया दरख्तों वाले एनिमल्स के पास, तो उन्होंने भी ऐसे ही अपने जो प्रॉब्लम थी हाथी उसका जिक्र किया कि हमारे पास जो हाथी है वो हमें बहुत तंग करता है, हम तो बिल्कुल हिल नहीं सकते, हमारा खाना हमारा घर सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया है इसने। तो वो कहता है आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ और इनसे बात करता हूँ। वो बंदर जाता है हाथी के पास और कहता है अरे हाथी भाई क्यों तंग कर रहे हो इन गरीबों को, इन्हें भी इनका रहने दो आराम से। तो वो कहता है अरे भाई तुम्हारे दोस्त बहुत बेवकूफ़ हैं, इन्हें तो मैं इसी तरह तंग करता रहूँगा, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। बंदर जो होता है खामोशी से वहाँ से वापस आ जाता है और फिर जाता है क्रोकोडाइल के पास। क्रोकोडाइल के पास जाता है, फिर उससे भी बात करता है कि भाई क्यों तुम इन क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। वो उससे बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी हैं, मैं तो इन्हें ज़रूर खाऊंगा, तुम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो। तो फिर बंदर वहाँ से भी खामोश होकर आ जाता है और फिर बैठ के बंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का इस्तेमाल करता है जो हमें अल्लाह ताला ने दी है। क्या दिया है? हाँ बबलू खाने से निकल है। देखा मीरब, आपने खाने की बात की और बबलू अभी तक खाने में ही डूबे में। अल्लाह ताला ने हमें क्या दिए? जिससे हम क्या करते हैं? सोचते हैं और हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या आते हैं? आइडियाज। जी बिल्कुल आपकी तरह, जिस तरह आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं ना कि आपको किस तरह जाना है और एलिया बाजी को जाके स्टोरी बतानी है और एलिया बाजी से एक आइडिया लेना ना, इस तरह से वो किस कौन आपको देता है आइडिया? दिमाग देता है। जी। तो बंदर को क्या आया? एक हाँ आइडिया आया। आइडिया बच्चों, बंदर को एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। उसने सोचा कि क्यों ना इनके दरमियान एक गेम करवाई जाए। वो गया हाथी के पास और फिर गया क्रोकोडाइल के पास। उन दोनों को कहा कि मैं भी आपके साथ करवाना चाहता हूँ रस्सा खींचने का मुकाबला। यानी आप लोगों ने कभी देखिए रस्सा खींचने का मुकाबला होता है? जी। क्या कहते हैं उसको? टग ऑफ वॉर वाली गेम होती है ना, दोनों तरफ दो टीम्स होती हैं और रस्से को खींच रहे होते हैं। जिस तरफ ज्यादा वजन होगा उस तरफ वो खींच जाएगी और वो टीम विन कर जाती है। तो ऐसे ही उसने मुकाबला किया। उसने कहा कि तुम अगर हाथी तुम जीत गए तो तुम जो है फिर तुम अपनी मर्जी करना और इन्हें हमेशा तंग करते रहना, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम यहाँ पे से चले जाओगे और इन एनिमल्स को तंग नहीं करोगे। और यही सेम बात उसने क्रोकोडाइल से कही। अरे बाजी, बंदर कैसे जीत सकता है हाथी से? यही तो बात है, यहाँ पे उसने की थी अकल का इस्तेमाल, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उसने यहाँ एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाया। आप कहानी सुने, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है जी। जी तो यही सेम बात उसने क्रोकोडाइल से की कि अगर तुम जीत गए तो तुम अपनी मर्जी करना और जैसे चाहो यहाँ रहना और जिनको खाना हो खा लेना, लेकिन अगर तुम मैं जीत गया तो फिर यहाँ पे से तुम चले जाओगे और यहाँ के एनिमल्स को बिल्कुल तंग नहीं करोगे। फिर ऐसा ही हुआ, दोनों ने कहा हम जीतेंगे, ये तो बंदर कमज़ोर सा है, ये तो फौरन ही हार जाएगा, है ना जी। ऐसा ही जब कहता है ना कोई, जैसे हंसला कीड़ा होगा और उसके बाद मैं जीत जाऊँ। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है कि हंसला कह रहा है लेकिन जीत जाएगी हफ्सा। हफ्सा ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा अगर मैं जीत जाऊँ और हंसला कह रहा है मुकाबला करो लेकिन हफ्सा जीत जाएगी। तो ऐसा ही वहाँ पे बंदर ने किया और बंदर ने वहाँ पे मुकाबले के लिए बीच में खड़ा हो गया। एक तरफ की जो उसने रस्सी थी वो दे दी हाथी को और दूसरी तरफ की रस्सी दे दी किसको दी होगी? शेर को। हाँ शेर कहाँ से आ गया? बच्चों ने क्या कहा? क्रोकोडाइल को दे दी दूसरी तरफ। भाई हफ्जा ने कहा था, हफ्जा विन कर गई है। हफ्जा ने सही बताया कि दूसरी तरफ की जो रस्सी है क्रोकोडाइल की दे दी। और मैंने भी बताया था, हंसला ने भी सही बताया और मीरा ने भी बिल्कुल ठीक बताया। सब ने सही बताया कि भाई दूसरी तरफ जो रस्सी, मैंने भी ठीक बताया। आपने तो ठीक नहीं बताया बबलू, आपने तो शेर कहा था, है ना जी। ऐसी अपनी तारीफें करवाने का शौक है आपको, आपने शेर कहा था। शेर
बादशाह है ना। बादशाह नहीं था, पहले गाया था, इसके बाद में गाया। हाँ भाई जब लड़ना नहीं है, अब अपनी स्टोरी अपनी फिनिश करनी। ओह बच्चों यहाँ तो हो गई है लड़ाई कि किसने पहले कहा था और किसने बाद में कहा था, लेकिन अब हमें अपनी कहानी ख़त्म करनी है। लेकिन कहानी ख़त्म करने से पहले हमें इनकी लड़ाई ख़त्म करवानी है, तो चलें चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मर जाएगा, देखते रहे स्टोरी टाइम भी दे लिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया, स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो हम बच्चों जा रहे थे अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में, जिसमें था एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ था बंद, हाँ जी क्रोकोडाइल, मुझसे गलती होगी, दूसरी तरफ था क्रोकोडाइल, जिनका क्या हो रहा था, रस्सा खींचने का मुकाबला। और एक रस्सी का जो पार्ट था वो किसके पास था, हाथी के पास, हाँ जी, और दूसरा क्रोकोडाइल, हाँ जी। तो दोनों ने का मुकाबला होना था, लेकिन जैसे कि आपको पता है एलिफेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो एलिफेंट के फिर भी वो हर सूरत में क्रोकोडाइल से तो हेल्दी होता है ना, तो फिर भी लेकिन क्रोकोडाइल के पास होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ। वो अपनी रस्सी को उसने मुंह में लिया और वो इतनी मजबूत होते हैं कि जब वो एक दफ़ा किसी को पकड़ लें तो दोबारा छोड़ते नहीं हैं। और क्रोकोडाइल के साथ था बंदर, जो कि हाथी की तरफ से मुस्तकिल खींच रहा था, मतलब हाथी को हराने के लिए क्रोकोडाइल की तरफ जोर लगा रहा था। तो इस तरह दोनों को ये लगा कि हमारा मुकाबला किससे हो रहा है, बंदर से हो रहा है, किससे हो रहा है, बंदर से हो रहा है। और दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसका मुकाबला हाथी से हो रहा है और उसका मुकाबला क्रोकोडाइल से हो रहा है। तो इस तरह दोनों ही यानी हाथी जब हारा तो उसको लगा कि वो हार गया है और दूसरी तरफ उसको लगा कि क्रोकोडाइल हार गया है, और जबकि दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे थे और बीच में था बंदर। बंदर ने बीच में अकलमंदी का इस्तेमाल किया और दोनों को हरा दिया, क्योंकि वो दोनों हार गए थे। और इस वजह से क्या हुआ कि दोनों को अपनी शर्त की वजह से दोनों को वहाँ से जाना पड़ा। और इस तरह बंदर ने क्या इस्तेमाल करते हुए जो प्रॉब्लम थी जंगल की वो ख़त्म कर दी। क्या इस्तेमाल किया था, दिमाग, हाथी को, हाँ हाँ अकल इस्तेमाल की थी बबलू। हाथी को तो उसने हरा दिया था, हाथी को कैसे इस्तेमाल किया? अरे बाजी उसने हाथी और क्रोकोडाइल को इस्तेमाल किया ना। इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए उसको कैसे आइडिया आया, दिमाग में आइडिया आया, उसने अपनी अकल को इस्तेमाल किया, फिर उसने दोनों को हरा दिया और सारे जानवर सुकून से और खुशी से दोबारा रहने लग गए। तो बच्चों अब आप और आप बच्चे मुझे बताएं कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि अपना दिमाग यूज़ करो। अपना दिमाग यूज़ करो। हफ्जा आप बताएं। दिमाग यूज़ करो। और मीरब आपको? दिमाग यूज़ करो। अरे भाजी मैं बताऊं? जी जी। अगर कोई आपके घर से ना निकले तो आप रस्सा ले आओ। वाजी वाह, ये कोई नई टेक्निक आ गई। आप कौन सी स्टोरी सुन रहे होते हैं बबलू? इन बच्चों को समझ आ गया कि इतनी आसान सी बात है और आसान सा मॉरल है। अरे बाजी वो जंगल से नहीं निकल रहे थे तो बंदर रस्सा ले आया ना। अरे नहीं बबलू, उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है कि आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें और उस प्रॉब्लम को फेस करें और उसका हल निकालें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बबलू के स्कूल में एक प्रॉब्लम थी कि वो बच्चा था और वो आपको तंग कर रहा है, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, अक्ल इस्तेमाल करनी है। आप जाएं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहे हैं या टीचर को कंप्लेन कर रहे हैं, बजाय उससे डर के आप बैठ जाएं, तो ऐसा तो फिर तो प्रॉब्लम हल नहीं होगी ना हमारी। तो हमें क्या करना है, उसका सलूशन निकालना है। उस सलूशन के लिए हमें अक्ल इस्तेमाल करनी है, और अकल इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह हम लोग विन कर जाएंगे हर चीज को, यानी हर प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व हो जाएगी, होगा ना ऐसे ही। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? बहुत अच्छी। चलिए बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी। बबलू आपको कुछ समझ आएगा? अरे बाजी मुझे समझ आ गया, अब मैं ऐसा अकल का इस्तेमाल करूंगा कि उस बच्चे को स्कूल से निकलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा भी अकल का नहीं करना, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करना है, सिर्फ उसको बताएं कि उसने गलत करा है, उसको बस छोटी सी सजा दिलवा दें, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि वो दूसरों के साथ गलत कर रहा है। मैं उसका लंच खा के कहूंगा कि इसने खा लिया तुम्हारा लंच। हाँ वाजी वाह, इस ऐसे मामलात में तो आपका दिमाग फट फटाफट चलता है जी।
भाई बच्चों, बबलू को भी सोल्यूशन मिल गया है, बबलू की प्रॉब्लम भी हल हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कहानी में हमारे साथ शामिल हो तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे शो में शामिल हो तो हमसे रब्ता करें और हमारे शो में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद डेलिया।